हेलो एवरीवन, मैं सुमिता। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, सक्सेस, कामयाबी। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि कामयाबी तो हर कोई अपनी लाइफ में पाना चाहता है, हर कोई अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है। लेकिन कामयाब कुछ ही लोग हो पाते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो आपने कामयाब लोगों की बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी होंगी, बहुत सारी आप लोगों ने जो है कहानियाँ सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तियों की जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। अब वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके भाग्यवादी और दूसरे होते हैं आपके कर्मशील। भाग्यवादी क्या होते हैं? भाग्यवादी होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ भाग्य पर भरोसा करते हैं कि भाई भगवान हमें लाकर दे देंगे और हम अच्छे से सेटल हो जाएंगे। और बहुत बड़े बढ़िया सपने देखते हैं कि हमारे पास ये भी हो, वो भी हो, वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वे असफल होते रहते हैं। तो उन्हें अपने भाग्य पर भरोसा होता है और जब वे असफल हो जाते हैं ऐसे लोग, तो क्या होता है ऐसे लोगों के साथ, वो दूसरे लोगों को दोष देते हैं अपनी गलतियों का, अपनी असफलता का। और सबसे बड़ा दोष वो भगवान को भी देने लगते हैं कि भगवान जो है मेरी सुनता ही नहीं है, मैं तो इतना सब करता हूँ, उसके बाद मेरी भगवान मेरी नहीं सुनता और मेरा कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो भाग्यवादी लोग होते हैं। दूसरे तरीके के जो होते हैं कर्मशील व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद में भी वो सफल नहीं होते। तो ऐसे भी दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने कर्म किए, आपने मेहनत की, ठीक है, और लेकिन आपकी कोई दिशा नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, या फिर आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप असफल रहेंगे, है ना। और अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं उसके बाद में भी आप असफल हो रहे हैं तो उसमें भी कई कारण होते हैं जिस पे हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि आखिर कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो असफल होते हैं। देखिए, कुछ व्यक्ति जो है बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद में भी क्या होता है, उसके बाद में कुछ लोग जो है किसी की देखादूनी मेहनत करते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त आप लोग हैं, दोस्ती है, किसी ने कहा कि मुझे इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा मुझे बीटेक बनना है, किसी ने कहा मुझे ये करना है ये, तो हम लोग किसी की देख, मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा, मेरी फ्रेंड ने ये बोला है कि ये अच्छा है ये मैं करूँगा, तो हम किसी की देखा दुनी वही काम करने लग जाते हैं। और जब हम ऐसा कोई काम करने लग जाते हैं तो उसकी हमें नॉलेज तो होती नहीं है क्योंकि हम दूसरे लोगों को देख के कर रहे हैं, तो उसमें हम असफल हो जाते हैं। इसलिए जब भी हमें सफल होना होता है तो हमें एक अपना लक्ष्य बनाना होता है और हम उस लक्ष्य के हिसाब से हमें जो भी आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे की देखादूनी जो काम करते हैं वो मेहनत से तो बहुत करते हैं पर उसमें वो असफल होते रहते हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, उनकी कोई दिशा नहीं होती, और सबसे बड़ा उनके अंदर एक डाउट होता है। अगर कोई मेहनत कर भी रहा है तो वो उनके एक सबसे ज़्यादा असफलता का कारण होता है संदेह करना, अपनी ही योग्यता पर संदेह करना। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, ये दोनों तरीके के व्यक्तियों के लिए मैं कह सकती हूँ, जो भाग्यवादी होते हैं या जो कर्मशील होते हैं, उनको अपनी योग्यता का ज्ञान नहीं होता, उनके अंदर खुद के अंदर एक गुण होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, तो उनके अंदर भी एक ऐसे कई तरीके के गुण होते हैं हम लोगों के अंदर, लेकिन बहुत से व्यक्ति अपने अंदर के गुणों को पहचान नहीं पाते और वो दूसरे की देखादूनी काम को करते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने अंदर के गुणों को पहचानना चाहिए। हर व्यक्ति अपना खुद का ही मित्र होता है और खुद का ही शत्रु होता है, तो हमें अपना मित्र बनना है, शत्रु नहीं बनना है। हमें अपनी योग्यता को पहचानना है, हमें इस पर सोच विचार करना है, इस पर अपना दिमाग लगाना है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं और हम क्या हमें करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए उसके बारे में, और अपना एक लक्ष्य तैयार करना चाहिए कि हम किस स्टेट बाय स्टेट हम जो है अपने लेवल को पार करेंगे और हमें सफलता मिलेगी। जिस तरीके से देखिए हमारी लाइफ में क्या है, जिस तरीके से हमारी सांसें चलती हैं तब हमारा शरीर हमारी सांसों से चलता है, उसी तरीके से जो सफलता होती है वो हर व्यक्ति के अंदर एक नव प्राण को भर देती है। आपने देखा होगा कि आपने छोटा सा कोई काम किया और उस काम के बाद में क्या हुआ, आपका वो काम आप सक्सेस हो गए तो आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको उसके लिए। तो क्या होगा, आप अंदर से एकदम से आपको एनर्जी सी आएगी कि मैंने बहुत अच्छा किया और आप उस ऐसे ही काम और करना चाहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि सांसें जो है वो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। और सफलता क्या है, सफलता हमारे लिए गति प्रदान करती है, सफलता हमारे लिए गति प्रदान करती है आगे बढ़ने के लिए, हमें
प्रेरित करती है। इसलिए हमें अपनी लाइफ में सफल होने के लिए जो है अपने एक लक्ष्य को तैयार करके चलना चाहिए। आखिर वो लक्ष्य क्या हो, हमें सफलता कैसे मिले, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और मैं आपको वन बाय वन डेली सफलता के कुछ ऐसे टॉपिक्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मेहनत करने के बाद भी बहुत सी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं और हम असफल होते रहते हैं अपने उन काम में, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं।